सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण अयोध्या को बड़ा सुंदर सजाया गया। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीती सीची चतुर सम चौके चार पुराई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सिंचित किया गया और सभी ने अपने द्वार पर सुंदर चौक पुराए। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दूती दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचन। गावई मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रवकल कंठी लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचय बिताना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अयोध्या की सारी स्त्रियां जो कि बिजली के समान कांति वाली है, चंद्रमुखी है, हिरण के बच्चों के समान जिनके नेत्र सुंदर हैं, और कामदेव की स्त्री रति के भी अभिमान को छुड़ाने वाली, वे सारी स्त्रियां अपने आप को 16 श्रृंगार से सजा करके झुंड बना करके वहां से चलती है और मनोहर वाणी के साथ मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर के कोयलों को भी लज्जा आ रही है। अब राजमहल का तो वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंडल कैसा है? मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उचरही, कतहु बेद दुनी भूसुर करही। गावई सुंदरी मंगल गीता, लेले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहुरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, जहां सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाबा जी कहते हैं कि मैं अयोध्या की शोभा का वर्णन कैसे करूं, वहां ऐसा विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थों से उसको सुशोभित किया गया है। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट बिरदावली गा रहे हैं, अर्थात कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और जानकी जी का नाम लेकर के मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत छोटा है। देखो, किसी छोटे पात्र में जब हम ज्यादा चीज डालने का प्रयास करते हैं तो वह चीज बाहर गिर जाती है। तो बाबा जी लिखते हैं कि उत्साह इतना है कि वह जो महल है वह छोटा पड़ गया है, और वह उत्साह संपूर्ण अयोध्या को तो छोड़ो, 14 भुवन में उत्साह वृद्धि हो रही है। सभी लोगों में उत्साह का संचार हो रहा है। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां सभी देवताओं के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी महाराज ने उतार लिया है। अब देखो, राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुलाया।
और उन्हें बारात सजाने के लिए कहा। अब भरत और शत्रुघ्न जिनमें कितनी प्रसन्नता है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, हाय गय स्यंदन साजौ जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो ब्राता। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी दाए, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अयई वजरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भये राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण दारी, करसर चाप तून कटिबारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। छरे छबीले चयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रबीन, सियावर राम चंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब राजा दशरथ ने भरत जी को बुलावा भेजा और कहा कि जाकर के घोड़े हाथी रथ सभी सजाओ और रामचंद्र जी की बारात में चलो। ऐसा सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद के वशीभूत होकर के पुलकित हो उठे। भरत ने सभी सहानियों को बुलाया, सहानी अर्थात जो गुड़शाला के अध्यक्ष होते हैं उनको बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। सारे सहानी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से दौड़ते हुए गए। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कस करके घोड़ों को सजाया। जीन अर्थात जो घोड़े के ऊपर में लगाई जाती है जिससे ऊपर सवारी करते हैं, तो उन सभी सुंदर सुंदर जीनों को कस करके घोड़ों को सजाया और रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सभी घोड़े बड़े सुंदर और चंचल चाल वाले हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर पांव रखा हो। जैसे कभी तपती हुई धरती पर जब हमारा पांव रख देते हैं तो हमारे कदम जो है उनकी गति बढ़ जाती है, हम देखते हैं कितना जल्दी यहां से दूर चले जाएं। तो घोड़े इस प्रकार से पांव रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर पांव रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी चाल ऐसी है कि वे हवा का भी निरादर करते हैं, अर्थात हवा से भी तेज चलते हैं। उन सभी घोड़ों पर भरत जी के समान सुंदर सुंदर छल छबीले राजकुमार सवार हो गए। वे सभी बड़े सुंदर हैं और सभी आभूषणों को धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। ये जितने भी राजकुमार हैं सभी सूरवीर चतुर और नव युवक हैं और प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही साथ में चल रहे हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।